नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबी सेवन न्यूज। कच्चा मकान गिरा, मलबे में दबने से 6 घायल। तुमको किया गया रेफर महाराजगंज जौनपुर क्षेत्र के बर्कुपुर गांव में। शुक्रवार सुबह लगातार हो रही बारिश से एक गरीब परिवार का कच्चा मकान ढह जाने से परिवार के 6 लोग मलबे में दब गए। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के बर्कुपुर गाँव निवासी राजेश गौतम का कच्चा मकान शुक्रवार सुबह गिर पड़ा, जिसके मलबे में दबने से पत्नी रीता, भांजी लक्ष्मी, भाई रंजीत, भतीजा अनमोल, पुत्री सविता व खुद राजेश गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के ग्रामीणों ने घायलों को महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आए, जहां डॉक्टरों ने लक्ष्मी व रीता को बेहतर इलाज हेतु जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ओम प्रकाश सेठ, ब्यूरो चीफ जौनपुर, न्यूज रिपोर्ट संवाददाता। कितने लोग घायल हुए हैं? कम से कम 5 लोग। अच्छा, आप बताइए पूरा। मेरा नाम राजेश कुमार गौतम है, गाँव का नाम बराउपुर, महाराज। कौन कौन घायल हुआ इसमें? मेरी वाइफ है जी। उनका नाम क्या है? उनको कहाँ चोट लगी है? कंधे पर लगी है। अच्छा, और कौन घायल हुआ? भांजी है, उसके चोट लगा, उसके पैर पर लगा हुआ है। हाँ, और किसको किसने लगा हुआ? बच्चे को थोड़ा थोड़ा यहाँ कमर पर लग गई है, दोनों को दर्द हो रहा है। और आप भाई भी हैं? बेटी हैं। भाई भी आपके हैं? भाई साथ में हैं, इनको भी हल्की फुल्की लगी हुई है दर्द। अच्छा, यहाँ कैसे आए? यहाँ बस एम्बुलेंस आए हैं। एम्बुलेंस आए हैं, डॉक्टर ने क्या कुछ कहा आपसे? डॉक्टर अभी दवाई ववाई चेकिंग सब हो रही है, इंजेक्शन किसी को दिया जा रहा, पानी वाली चढ़ाया जा रहा है। और किसी को ज़्यादा चोट आई कुछ कहें कि? हाँ, भांजी की और मेरी वाइफ को चोट ज़्यादा लगे, उनको रेफर करा जा रहा है जौनपुर। अच्छा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश गौतम। अच्छा, क्या मामला था? ये ब्रह्मपुर के 6 लोग आए थे, 6 में से 2 महिलाएं हैं। राइट साइड में छोटा जॉइंट पे है, जो लक्ष्मी देवी है उसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट। अच्छा, और 6 में से 2 को हमने जो है रिफर